नमस्कार, ये है रनअप और जानिए खेल जगत की बड़ी खबरें। फीफा वर्ल्ड कप में सोमवार को 3 मैच खेले गए। पहले मैच में स्वीडन ने साउथ कोरिया को 1-0 से हराया। दूसरे मुकाबले में बेल्जियम ने पहली बार खेल रही पनामा को 3-0 से मात दी। वहीं आखिरी मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन की बदौलत इंग्लैंड ने ट्यूनिशिया को 2-1 से हराया। वर्ल्ड कप में आज भी 3 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला जापान और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला पोलैंड और सेनेगल की टीमों के बीच होगा। वहीं दिन का आखिरी मैच इजिप्ट और मेजबान रूस के बीच होगा। प्लेन में लगी आग के बाद बाल बाल बची सऊदी अरब फुटबॉल टीम। सऊदी अरब की टीम प्लेन में सफर कर रही थी, तभी फ्लाइट के इंजन में कुछ खराबी आ गई। जब तक फ्लाइट की लैंडिंग कराई जाती तब तक उसमें आग लग चुकी थी। इसके बावजूद पायलट ने सुरक्षित तरीके से फ्लाइट रनवे पर उतारा और सभी खिलाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 18 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में होगा उत्तराखंड की टीम का डेब्यू। सोमवार को एक बैठक के बाद प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष विनोद राय ने कहा कि उत्तराखंड रणजी ट्रॉफी में साल डेब्यू करेगी। बैठक में सीईओ सदस्य डायना एडलजी के अलावा बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी भी मौजूद थे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन के खिलाफ चल रही सीरीज में बराबरी कर ली है। आखिरी मैच में कप्तान रानी रामपाल और डिफेंडर गुरजीत कौर के 2-2 गोल के दम पर भारत ने स्पेन को 4-1 से हराया और 5 मैचों की इस हॉकी सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए रनअप के साथ।